the trailer honestly is very cute. It is very entertaining, and it makes it would make, if I was an audience, not an actor, it would, I would really want to go to the theaters and watch the film, because at the end of the day, it gives the vibe of a family entertainer, which you can go with your children and your entire family and enjoy it together. Because I don't remember when was the last time I went with my parents and I could take everybody in my family and enjoy a movie saath mein. You know, aajkal family films bahut kam banti hain. So this is a full-time family entertainer and it has a lot of good humor. Yeah. Actually, there is one, but I'm not allowed to talk about it right now. It's contract. So I've done a show recently, which is about, you know, jab hum mar jate hain, to uske baad kya hota hai? What is the afterlife? So the show is on that, and that's also, it's humor, satire, it's dark and funny at the same time. To go to Jhalak Dikhla Ja, because I've been a dancer, so I'm trained in classical Kathak, and I'm trained in ballet, jazz, contemporary. So I would, I love dancing, so I would like to go to Jhalak Dikhla Ja, rather Big Boss. Thank you. Thank you. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि बहुत सोशली रेलेवेंट फिल्म है, बहुत ऐसा मुद्दा है जो सबके सामने आना चाहिए, और बहुत ही उसको लाइट वे में उसको ट्रीट किया गया है, और उस चीज़ को एक कमज़ोरी नहीं, एक ताकत बनाया गया है, और उसमें मैं एक छोटा सा किरदार निभा रही हूँ. तो जस्ट होपिंग दैट द फिल्म रियली डज वेल, इट विंस हार्ट्स, दैट्स इट. नहीं, मैं माँ का नहीं, मैं चाची का किरदार, गंदी चाची का किरदार निभा रही हूँ इसमें. तो बट यस, पार्ट ऑफ द जॉब, आई लव डूइंग व्हाट आई डिड, एंड जस्ट वेटिंग कि आप लोग सबको पसंद आए फिल्म. अरे ऑनेस्टली, जब मैंने देखा तो मुझे लगा यार तो बहुत अच्छी लग रही है. सो बस ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ हमारी फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत ज़रूरत है इसे, और फिल्म ज़रूर देखिए, और मुझे पसंद ना कीजिए ना कीजिए, फिल्म ज़रूर पसंद कीजिए. मेरी कोइंसिडेंटली मेरी कल एक और फिल्म आ रही है ऑन नेटफ्लिक्स कॉल्ड जोगी, विच इज़ विद दिलजीत दोसांझ. तो द लास्ट सॉन्ग जिसका, ये 84 रायट्स के ऊपर फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, एंड आई थिंक सबको देखनी चाहिए ये फिल्म. तो लगे हाथ मैंने कहा कि एक के साथ दूसरा फ्री, तो प्लीज़ मेरी दूसरी फिल्म भी देखिएगा. सो प्लीज़ वॉच बोथ द फिल्म्स. ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी इंटेंस डार्क फिल्म, वेर इज दिस इज अ वेरी लाइट हार्टेड, वेरी क्यूट फिल्म. सो प्लीज अपने अपनी जगह दोनों अच्छी हैं, तो दोनों देखिएगा. ओके, थैंक यू. मैंने से कुछ रशेस भी देखे, बिकॉज जो अभिषेक भाऊ है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, इज अ डियर फ्रेंड, और ऑब्वियसली रणदीप भी है उसमें. तो मैंने कुछ रशेस देखे हैं इस चीज़ के, मूवी के, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी. जो आई थिंक जैसे कहते हैं ना, sitcoms, yeah, situational comedy काफ़ी है उसमें, एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. वी जस्ट कैन नॉट वेट कि कब रिव्यूज आएंगे और कब हम देख पाएंगे, कभी सुपर हिट हो जाएगी. वेल, सेम गोज टू मी, ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आई एम जस्ट वेटिंग टू वॉच द फिल्म सो दैट आई कैन प्रोबब्ली गिव यू गाइस मोर इनसाइडर्स. वेल,
आ गया, दूसरा आना बाकी है, सो आई गेस वी शुड एक और आने वाला है, सो जस्ट वेट फॉर इट. या या एंड थैंक यू. या एक्चुअली दूसरा भी आने वाला है, सो या जस्ट थैंक यू फॉर द लव एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट अस, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म. हम यहां पे आए तो अच्छा नहीं लगता ना. Well, I think let's keep it under wrap and jab koi new project aayega, you will be invited and aap logo ko bataya jayega. Aap logo ko pata chali jayega. Hum kahan chupa payenge. Thank you. Thanks, guys. Kehte hain ki jo content is the hero. So ab wo daur aa gaya hai ki jo writing hai, jo content hai, wo film ka hero hai. Wo film ka hero hai. So I think mujhe ye film se wahi expectation. यस अभी एक शूटिंग ख़त्म हुई है हमारी वेब सीरीज़ की, सो बस आई थिंक वो नेक्स्ट ईयर वेब सीरीज़ आ जाएगी, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू डेब्यू ऑन OTT. थैंक यू. सिर्फ ये थोड़ा सा पतला हो गया है. हाँ थोड़ा सा भी ज्यादा ही पतला हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं, घर की खेती है. जी आप लोग बताइए. सब बहुत खुश है क्योंकि इतने टाइम बाद हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, तो सब बहुत खुश है और खुश होना भी चाहिए. यार मेरे को ना आधा सुनाई दिया प्लीज. आपके दोस्त और आपके परिवार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है? यार जिन्होंने ट्रेलर देखे हैं और थोड़े सॉन्ग्स देखे हैं, दे आर रियली कनेक्टिंग विद इट और उन्हें पसंद आ रहा है काफी. थोड़े सॉन्ग्स क्या होते हैं? थोड़े नहीं, जितने भी सॉन्ग्स हैं, चार पांच सॉन्ग्स हैं. पूरे आपको नंबर पता, साइज नंबर पता है तो बता दो रणदीप. आप ही शर्मा छह सॉन्ग, तो सारे सॉन्ग जिन्होंने देखे हैं और ट्रेलर देखा है उनको काफी पसंद आया. मैं खुद देखना चाहता हूँ. हम लोग, आप लोगों ने देखी है क्या फिल्म पहले? नहीं नहीं ना, not really, complete नहीं देखी है. नहीं देखी है complete, तो हमें बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगी पहली बार. सो वी आर आल्सो वेरी एक्साइटेड. यस वेरी एक्साइटेड. चलिए आप देखिए बच्चों, व्हाट डू यू से? चलिए ओके गाइस कम लेट्स सी द फिल्म. चलो मैसेज जाएंगे और जो ये सरोज का रिश्ता वो लोगों के साथ रोज का रिश्ता बना लेगा. और मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने फिलहाल सना के साथ हमारा एक वेब सीरीज हुआ है एंड गुजराती में दो कहावत है, एक मोर ना इंडा चितरवा ना पड़े, यानी जो मोर होते हैं उसके अंडे जैसे कलाकार के, इतने दिग्गज कलाकारों की बेटी है वो, सुपर टैलेंटेड है, बहुत अच्छा काम करती है एंड मैंने जितना भी उसका काम देखा है आई एम वेरी श्योर, मैं बहुत एक्साइटेडली वेट कर रहा हूँ सरोज का रिश्ता देखने के लिए एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एंटरटेनर. All the best and lots of luck to the entire team. Thank you. And that she's right here, we are next to her. There cannot be a better moment in life. I'm so elated to be here with her. It's a wonderful moment. And I have my best wishes to the film, to my daughter, and to the entire unit. शानदार में हम लोग साथ थे ही, we were together in शानदार and I look forward to any project with my daughter. I'm very keen to do that in case there is somebody who thinks of it. Same, I would love to work with her. Thank you so much. अच्छा मुद्दा सामने आया कि हमें किसी के लिए बदलना नहीं चाहिए, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, ऐसा मुझे लगता है और मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ को. और ये फिल्म बहुत
दिलचस्प लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और हंसी मजाक वाली है, बहुत सीरियस नहीं है, दैट्स नाइस। और मैं सना के लिए बहुत आई फील वेरी प्राउड कि शी चोज अ फिल्म लाइक दिस टू डू, व्हिच इज़ वेरी नाइस एंड इट टेक्स अ बोल्ड स्टेप टू डू समथिंग लाइक दिस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू गाइस। का रिश्ता है एंड प्लस सरोज से भी रिश्ता है, सो आई थिंक अमेजिंग है बट इट्स गुड। ये फ्लेवर की फिल्में बहुत कम आती हैं एंड आई एम हैप्पी दैट द ट्रेंड इज स्टार्टेड अगेन, सो इट्स लुकिंग गुड फॉर द स्मॉलर फिल्म्स। एंड आई विल शेयर समथिंग एक्साइटिंग वेरी सून, दैट्स अ प्रॉमिस, बिफोर दिस ईयर एंड्स फॉर श्योर। थैंक यू, सी यू। पहली स्क्रीनिंग है, मेरी फैमिली यहाँ होने वाली है, सबको मैं पहली बार दिखाने वाली हूँ, सो आई एम क्वाइट नर्वस बट रियली एक्साइटेड। आई होप सब आकर कल ये फिल्म देखें और इसे उतना ही पसंद करें जितना हमने पसंद किया है बनाने में। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप, हाँ जी। हाँ, हमारी जो कहानी है वो बेसिकली एक लव स्टोरी है, पर इसके साथ साथ एक पैरेलल लाइन एक मैसेज भी छोड़ती है कि आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। अगर आप पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें और अपनी यूनिकनेस से प्यार करें और फिर ज़िंदगी में मोहब्बत तो आ जाएगी। और हमारी बहुत सारी मोहब्बत है, बहुत सारी आशिकी है इस फिल्म में, मज़ी है, मस्ती है और बहुत इंटरेस्टिंग बॉन्ड्स हैं, जैसे कि एक फादर डॉटर का बॉन्ड आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि हमारे मेरे फादर का कैरेक्टर जो मिस्टर कुमुद मिश्रा परफॉर्म कर रहे हैं वो ऐसे फादर हैं जो बिलीव करते हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, तो वो एक बॉन्ड है, दोस्ती का बॉन्ड है। तो आई थिंक ये सब है इस फिल्म में। मीडिया क्या डायरेक्टर साहब हैं अभिषेक सक्सेना, उन्हें कुछ रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर किए हैं एंड मैं बहुत खुश हूँ उनको पढ़ के और इतना पॉजिटिव रिस्पांस देख के, इतने अमेजिंग स्टार्स मिलके, तो ये इट मेक्स मी फील रियली गुड कि ऐसी फिल्म की एक मार्केट है, ऐसी फिल्म लोगों को पसंद आएगी। अगर क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उन्हें एंटरटेनिंग लगी, जो आई थिंक बहुत कॉमन बात है जो सारे रिव्यूज़ देख रही है, क्योंकि ये फिल्म है एंटरटेनिंग, ये फिल्म है फुल मस्ती मजा फन, तो I am feeling so overwhelmed with the amazing reviews and I hope के जब आप लोग तक भी पहुँचे तो आप लोग को भी encouragement मिले आके इस फिल्म को देखने के लिए। Okay guys, done? Alright, thank you. Okay, done. जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं ना उनके लिए राहत है, ये खुश हो जाएगी। काफ़ी लड़कियों ने मुझे messages किए, call किए ये फिल्म आने के बाद, तो मुझे लगता है बॉडी शेमिंग ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई, अभी सब ख़त्म होना चाहिए एंड हमें अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहना चाहिए, जैसी भी स्किन, क्या बोलते हैं, करेक्ट ना? व्हाई नॉट, आई बी सो आई यूज्ड टू गेट अपॉर्चुनिटीज व्हेन आई वाज नॉट दैट फेमस, तो मुझे लगा थोड़ा सा लोग जानने लगे उसके बाद मैं शोज करूँ टीवी। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी आई विल ग्रैब इट फॉर श्योर। आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू गो इन थिएटर्स एंड वॉच दिस फिल्म, इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म मेड विद लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड लव, आई थिंक सबको देखना चाहिए जाके थिएटर में जाके दोस्तों ये पिक्चर देखो। एक्चुअली मैं खुद भी इस फिल्म में आर्टिस्ट हूँ
और आई एम प्लेइंग चिंतन, तो मेरा सरोज से झगड़ा रहता है, और सरोज वैसे मतलब हमारी ऑफ स्क्रीन तो बहुत अच्छी दोस्ती है, बट पूरी पिक्चर में मैं उसको तंग करता रहता हूँ, उसके परिवार वालों को भी, तो उसी के लिए यस इट्स ऑल अबाउट, एंड बहुत लाइट हार्टेड कॉमेडी है, जो आजकल लोग इश्यूज देखते हैं कि वेट बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम होती है, जज करते हैं बेसिकली, इट्स ऑल अबाउट. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. जो सरोज का रिश्ता जो फिल्म बनी है वो मैं मेरा बेटा इसका प्रोड्यूसर है, अनमोल कपूर, डॉक्टर अनमोल कपूर, और मैं आप गाजियाबाद में इसकी शूटिंग कराई थी, और बहुत ही प्यारी स्टोरी है, घर घर की कहानी है, हर घर में ये स्टोरी मिलेगी, और आप जब पिक्चर इसको देखेंगे तो आप इसमें छा जाएंगे कि इतनी प्यारी मूवी कभी देखी नहीं है, ना कभी बनी है. कलाकारों ने बहुत मेहनत की है और सच्चाई बताई है देश को भी, सरोज की कहानी क्या है, कैसे उसके साथ बीती है. जय हिंद, जय भारत. हाँ, मैं विधायक हूँ पंजाब से. मैं स्पेशल इस फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए बॉम्बे आया हूँ. सरोज का रिश्ता एक बहुत पारिवारिक कहानी है और थोड़ी हटके कहानी है, और मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अमोल कपूर कैनेडा से, वो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, तो मैं स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी होगी और सबको पसंद आएगी, और जितने भी कलाकारों ने काम किया, हर कलाकार ने अपनी अपनी कला का बहुत अच्छे से प्रदर्शन किया. मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म की कहानी, फिल्म का म्यूज़िक, फिल्म की हर एक चीज़ जो है आपको अपनी तरफ खींचेगी और आपको अच्छी लगेगी, आप पसंद करेंगे. 4 साल के बाद आ रही है, बट जैसा कि नाम है फिल्म का सरोज का रिश्ता, तो वो मूवी भी एक शादी के ऊपर है और एक अच्छी लव स्टोरी है. इस बार मेरा किरदार थोड़ा सा डिफरेंट है. एक ऐसे लड़के का किरदार है जो फिटनेस से बहुत प्यार करता है, और उसको शादी उसी लड़की से करनी है जो लड़की बहुत फिट है, और वो हमें मिलती है सरोज के चेहरे में. आई थिंक जो कहानी है उससे ऑडियंस को ये पता चलेगा कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, किसी और इंसान के लिए बदलो मत, स्पेशली फिजिकल अपीयरेंस अपना. यार मुझे लगता नहीं कि मैं रियलिटी शोज़ के लिए रेडी हूँ अभी, बट इन फ्यूचर यस डेफिनेटली आई ट्राई, अगर फ्यूचर में कुछ मिलता है, अभी तो आई डोंट थिंक कि मैं रेडी हूँ. यार फाइनली फिल्म 4-5 साल के बाद आ रही है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड आई होप ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आए, क्योंकि बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है, एंड आई एम श्योर कि जितने लोग भी देखेंगे उन्हें पसंद आएगी. थैंक यू. Production name is on my name. It is Anna Productions, and my mom, she did a great job. Abhishek Bhaiya, the director, Sana Didi, and the cast was really amazing. I feel really grateful to be a part of this, and thank you so much. अभी जो फिल्म है सरोज का रिश्ता, it's a love story, और जो हमारी protagonist हैं, जो सरोज play कर रही हैं सना, वो basically तो ये फिल्म में हमारी जो सरोज का रिश्ता, इसमें जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं सना, जो सरोज प्ले कर रही हैं, द स्टोरी इज़ अबाउट हर एंड हाउ शी इज़ चैलेंज्ड बाय एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल जजिंग हाउ यू आर, मोटे पतले बड़े छोटे, वो सारी जो जजमेंट होती है उसको लेकर के एक हमने एक स्वीट सी फिल्म बनाई है. तो दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट, एंड इट्स अबाउट लव, इट्स अ लव स्टोरी. No matter how you are, मोटे पतले जैसे भी हो, it doesn't matter. We shouldn't judge each other, and we should just connect and love each other. So that's what the film is about. See, the thing is, we're not really focusing on the body shaming aspect. We want to focus on the aspect that she's a human being, and she's capable of love. She can give love, and she's fully capable of receiving love.
no matter her shape, size, or whatever. So it's not really focusing on that. It's focusing on the sweet love story, the people that she is pursuing. So it's mostly about that. Thank you, thank you. Thank you, guys.